स्वागत है आपका दी वन मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इस संक्रमण के काल में देश में कई सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन और धार्मिक संस्थाएं मिलकर देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरणों का दान कर रही हैं। इसी दान के बाद जब बाहर निकलकर एक फोटो की बात आती है, जाहिर सी बात है हजारों लाखों का दान किया है तो एक फोटो तो बनती है। और इसी फोटो अपॉर्चुनिटी में एक गलती कर बैठते हैं दानवीर संगठन के लोग। तस्वीरें मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज नगर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को व्यापारी संगठन ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दान की थी। और इस दान के बाद जब इसकी फोटो सामने आई तो इसमें सामाजिक दूरी बहुत दूर ही नजर आई है। आप तस्वीर में पहचान सकते हैं कि जिस फोटो में एक साथ लोग खड़े हुए हैं, ये सोचकर कि अगले दिन तस्वीरें उनकी अखबारों में आएंगी, शायद ही वो अखबारों में अपने आप को पहचानने लायक रहे हों। देखिए, मेरे हाथ में अखबार है, आप उसमें देखिए कि आप वाकई कोई व्यक्ति उस तस्वीर में अपने आप को पहचान सकता भी है या नहीं। इस फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हमने सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया और जिसके बाद हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कोरोना संक्रमण में सहयोग कहीं बन न जाए परिजनों से वियोग का कारण। केयर और सीएम केयर फंड्स छोटे शहर के अस्पतालों में कब पहुंचेंगे तो भगवान ही जाने, लेकिन छोटे शहरों में यदि संगठन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। बस एक ख्याल रखकर कि जिस मशीन उपकरणों को वो दान दे रहे हैं, कहीं उसके फोटो ऑप में वो अपने परिवार को ही संक्रमित करके कहीं उस मशीन का इस्तेमाल के लिए तक ना पहुंचा दें। क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा हर चौथे दिन अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन संगठन की शक्तियों के आगे स्तंभ बहुत नाजुक नजर आता है। इसलिए ऐसी तस्वीरों की जिम्मेदारी खुद इन संगठनों को ही लेनी होगी कि कहीं वो सप्रेम भेंट में आके संक्रमण का आवेग तो नहीं बढ़ा रहे हैं। शासन के सामने प्रशासन की ही जमीन पर ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो संक्रमण के इस काल में बहुत दुखदायी हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी परहेज नहीं कि ऐसे सामाजिक कार्यों की इस देश को भी बहुत आवश्यकता है।